पिछले कुछ समय से दुनिया भर में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धूम मची हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि AI टूल दुनिया में बिजली संकट की वजह भी बन सकते हैं? यहाँ पर OpenAI का ये टूल ChatGPT हर घंटे 5 लाख किलोवाट बिजली की खपत कर रहा है। एवरेज निकाला जाए तो रोजाना ChatGPT अमेरिकी घरों की तुलना में 17,000 गुना ज्यादा बिजली की खपत कर रहा है। भारत एट 9 देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आपने AI के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते होंगे तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी रील्स आपको AI के द्वारा निर्मित ही दिख जाती होंगी। फेसबुक, ट्विटर, इसके अलावा डीप फेक जैसी चीज़ें भी, ये भी AI का ही एक पार्ट है। देखिए, अगर AI की हम बात करें तो ये आधुनिक भी है, साइंटिफिक तौर पर बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ जो बहुत अच्छी होती है उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, तो इसके नुकसान भी हैं। बहुत सारे नुकसान ऐसे हैं कि AI के ज़रिए आपकी आवाज़ को बिल्कुल किसी और की आवाज़ की तरह बनाया जा सकता है, आपकी शक्ल को दूसरे की बॉडी पर पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये वीडियो पर भी हो सकता है, और आप कहीं ना कहीं ये पहचान नहीं पाएंगे कि ये आप ही हैं। AI से बहुत लोग अपने काम भी करवाते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है, बहुत सारे कंट्रीज ऐसी है जहां पर AI के द्वारा बहुत सारे काम होते हैं। कई बार ऐसा हुआ था कि AI ने ऐसी धूम मचाई थी कि AI की वजह से जो मानव हैं, यानी कि जो मनुष्य हैं, जो हम लोग हैं, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे जो आर्टिस्ट होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, और इसके अलावा भी कुछ जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन लोगों ने काफ़ी हो हंगामा किया था। हो हंगामा इसलिए किया था, उनका कहना था कि जो काम हम करते हैं वो काम AI द्वारा करवाए जा रहे हैं, तो हमारी नौकरी पर कहीं ना कहीं चिंता बनी हुई है। पिछले कुछ समय से दुनिया भर में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धूम मची हुई है। अगर आज से कुछ समय पहले की हम बात करें तो आज से एक दशक पहले जिस तरह गूगल अचानक लोगों की ज़रूरत बन गया था ना, उससे पहले कहाँ कौन जानता था गूगल पे क्या चीज़ें हैं, बहुत कम ही ऐसा होता था कि इस्तेमाल करते थे। ठीक उसी तरह आज AI भी लोगों की आम जिंदगी का हिस्सा बनता नज़र आ रहा है। AI के ऐसे कई टूल्स हैं जो लोगों के लिए काफ़ी मददगार भी साबित होते हैं। AI का मतलब सिर्फ रोबोट नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ChatGPT, मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नौकरी पेशा होंगे, जो ChatGPT को बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे। बिल्कुल, ChatGPT का नाम आपने सुना होगा, ये भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए, आपको उसका लिखित जवाब मिल जाएगा। अगर आपको किसी विषय पर 400 शब्दों का निबंध लिखना हो तो ChatGPT आपको तुरंत लिख कर दे देता है। कितना आसान हो गया है ना, लेकिन इतना भी आसान नहीं है और इतना भी सुरक्षित नहीं है। बच्चे इस तरह के टूल का इस्तेमाल अपना होमवर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, हम डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये गूगल का रिप्लेसमेंट है, हालांकि पूरी तरह से हम इसे नहीं कह सकते कि गूगल का रिप्लेसमेंट है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही भारत की पहली AI टीचर की भी खूब चर्चाएं हुई थी, देखे होंगे आपने वीडियोस। ऐसा पहली बार हुआ है जब केरल के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक AI रोबोट टीचर पहुंची। सबसे खास बात ये रही है कि उस AI टीचर ने मशीन की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह कॉटन की साड़ी पहनी थी। ये बिल्कुल वैसा ही था, आपने पिक्चर देखी होगी, ऐश्वर्या राय, रजनीकांत, चिट्टी रोबो, बिल्कुल वैसा ही था। और उस फिल्म को अगर आप देखेंगे और आज की जनरेशन से, आज के दौर से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, हालांकि फिल्म तो बहुत पहले आ गई थी, लेकिन आज AI की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, AI के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जान चुके हैं और जानना चाहते हैं। सेम वही चीज़ें, इमोशंस, जैसे आप बोलते हैं, जैसे आप बैठते हैं, जैसे आप बात करते हैं, जैसे आप एक्सप्रेशंस देते हैं, वो सब AI में भरा जा रहा है। तो आप सोचिए कि केरल में एक टीचर AI टीचर है, कॉटन की साड़ी पहन के वो आ रही है, पूरी तरह से रोबो नहीं लगेगी, अगर आप दूर से देखेंगे तो लगेगा कोई इंसान ही है, हूबहू एक टीचर की तरह ही वो लग रही थी।
अब ऐसे में इस रिपोर्ट्स में विस्तार से समझते हैं कि पूरी दुनिया एआई पर क्यों निर्भर हो रही है और सुपर पावर देशों की तुलना में भारत कहाँ है। एआई क्यों जरूरी है, एआई पर निर्भरता क्यों जरूरी है। पहले समझिए कि आखिर एआई है क्या। बहुत लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या, आगे क्या, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो चलिए आज बता देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। इंसान को धरती का सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानी दिमाग किसी भी टास्क को कर सकता है। वहीं जब एक मशीन किसी काम को इंसानों की तरह सोच समझकर करने लगे तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, बात है साल 1950 की और इसे परिभाषा के साथ किसी मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI माना जाता था। हालांकि समय के साथ विकसित होती टेक्नोलॉजी के साथ मशीन को लेकर इस परिभाषा में भी कई तरह के बदलाव आ गए हैं। AI पर पूरी दुनिया निर्भर नजर आ रही है। देखिए, AI की शुरुआत आज की नहीं है, शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, 1950 की बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है बनावटी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। AI के जरिए ही कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसा सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है, बिल्कुल एक मनुष्य की तरह। कैसे धीरे धीरे सभी देशों की जरूरत बनने लगा है AI, ये जानना बहुत जरूरी है। वर्तमान में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कई अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए चैट बॉट ही ले लीजिए, इसका नाम आपने सुना ही होगा। दुनिया की कंपनियां आजकल चैट बॉट का इस्तेमाल कस्टमर सपोर्ट के लिए कर रही है। चैट बॉट आपको लगभग हर बैंक की ऑनलाइन सर्विस में मिल जाएगा। जी हाँ, आपने कई बार अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको रोबोटिक आवाज़ सुनाई भी दे सकती है। रोबोटिक एक फीचर होगा और अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं तो आप आराम से चैट कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डेवलप किया गया है जहाँ से आपके सारे सवालों का जवाब वो देते हैं। इसे और आसान तरीके से अगर समझाऊँ तो जब कभी आप ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हों और आपको उसमें कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो बैंक आपको तीन ऑप्शन देता है। पहला, आप बैंक जाकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरा, कस्टमर केयर नंबर पर बात कर सकते हैं। और तीसरा, आप ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट पा सकते हैं। ये तीसरा विकल्प चैट बॉट का ही होता है जहां आप अपनी समस्या चैट बॉक्स में लिख देते हैं और फिर दूसरी ओर से आपको उसका समाधान किया जाता है। दूसरी ओर से समाधान देने वाला कोई इंसान नहीं है, बिल्कुल। अगर आप अब तक ऐसा सोच रहे हैं कि सामने से कोई चैट करने के लिए आपके पास बैठा हुआ है जैसे आप मैसेज लिख रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर AI टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे चैट बॉट का नाम दिया गया है। ऐसे चैट बॉट का इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग कंपनियां भी करती हैं। देखिए, अर्बन एरियाज में तो बहुत लोग इसे बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन अभी भी रूरल एरियाज में या कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को नहीं पता कि आखिर AI है क्या, AI कैसे काम करता है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो सिक्योरिटी सिस्टम में भी AI का इस्तेमाल बढ़ा है। AI से लेस कैमरे मानव रहित वाहन सीमा पर संदिग्ध पता लगाते हैं। इतना ही नहीं, सीमा पर गड़बड़ी होने पर AI बॉर्डर कंट्रोल एजेंट को अलर्ट भी करता है। 7 देशों की सीमा पर सुरक्षा में AI मदद कर रहा है। जी हाँ, जानकर आपको हैरानी होगी। वर्तमान में दुनिया के 7 देश ऐसे हैं जो AI के जरिए सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। इन देशों में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा, भारत और नाइजीरिया शामिल हैं। कई देश ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने यहाँ होने वाले अवैध प्रवास इलीगल माइग्रेशन को रोक रहे हैं। AI इस्तेमाल के सुपर पावर देश की तुलना में भारत कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल। क्या भारत में भी आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लोग डिपेंड हो जाएंगे AI पर, कंपनीज, क्या ऐसा हो सकता है? तो चलिए जरा बता देते हैं आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के आंकड़ों के अनुसार भारत अभी इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में लगभग 10वें पायदान पर है। हालांकि वर्तमान में भारत में लगभग 2000 AI स्टार्टअप्स हैं। इस क्षेत्र में इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है कि कुछ ही साल में भारत सबसे बड़े सुपर पावर के रूप में उभर सकता है। इंटीग्रेशन विजर्ड सॉल्यूशन के यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक SI की इस रेस में इन दिनों सबसे आगे अमेरिका और चीन है। चीन ने साल 2017 में ही एक 3 स्टेप का प्रोग्राम शुरू किया था
ताकि देश साल 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ल्ड लीडर बन सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए बाकायदा कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले गए हैं। साथ ही सरकार की ओर से कंपनीज को कई तरह की छूट और प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। साल 2017 में ही चीन ने 2030 तक लगभग 150 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री स्थापित करने का लक्ष्य तय किया था। उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया था कि आने वाले समय में एआई का इस्तेमाल मिलिट्री और स्मार्ट सिटीज के लिए करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे पेटेंट चीन के पास हैं। भारत एआई के इस्तेमाल के मामले में कहाँ है, तो चलिए भारत की बात की जाए तो नीति आयोग ने 2019 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संस्थागत तरीके से काम करना शुरू किया। इसी साल जून के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के समर्थन से नेस्कॉम का नेशनल एआई पोर्टल लाइव हो गया। आंकड़ों की माने तो ओरियन मार्केट्स रिसर्च के अनुसार साल 2018 में भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खर्च 109.6% बढ़कर 665 मिलियन डॉलर हो गया था। साल 2019 से लेकर 2025 तक देश में करीब करीब 40 कंपाउंड एनुअल ग्रोथ दर्ज करते हुए आई पर 11,781 मिलियन डॉलर खर्च हो सकता है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बात करें तो वर्तमान में गूगल ने भारत में डिजिटलाइजेशन के लिए 10 बिलियन डॉलर का फंड दिया है, जबकि फेसबुक ने 5.5 बिलियन डॉलर जियो कंपनी में इन्वेस्ट किया है। भारत में वर्तमान में 40 लाख से ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं और 2024 तक भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वाला देश हो जाएगा। एआई अडॉप्ट कर इस पर काम करने वाले डेवलपर्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। एआई टेक्नोलॉजी के टॉप 10 देशों के बारे में भी जान लीजिए। हाल ही में ग्लोबल इंडेक्स ने टॉप 10 देशों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अमेरिका का। अमेरिका कंपनी में दुनिया के टॉप 60% एआई रिसर्चर्स अमेरिकी यूनिवर्सिटी और कंपनी में काम करते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नंबर चीन का है, तीसरा स्थान पर ब्रिटेन है और यहाँ देश भी कई सालों से एआई रिसर्च में अपना योगदान दे रहा है। चौथे नंबर पर इसराइल है। 2023 तक इसराइल में 144 जनरेटिव एआई से जुड़े स्टार्टअप सामने आए थे। इसराइल के बाद कनाडा, फ्रांस, भारत, जापान, जर्मनी और सिंगापुर का नाम भी शामिल है। तो ये तो बात हो गई एआई की, और आप में से जो भी लोग एआई के बारे में समझ पाए हैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि एआई टूल दुनिया में बिजली संकट की वजह भी बन सकते हैं? जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि यहाँ पर ओपन एआई का ये टूल चैट जीपीटी हर घंटे 5 लाख किलोवाट बिजली की खपत कर रहा है। एवरेज निकाला जाए तो रोज़ाना चैट जीपीटी अमेरिकी घरों की तुलना में 17,000 गुना ज़्यादा बिजली की खपत कर रहा है। खपत 20 करोड़ यूजर्स की रिक्वेस्ट पर हो रही है। अगर ये आंकड़ा बढ़ता है तो बिजली की खपत भी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। बिजनेस इंसाइडर से बातचीत में डाटा वैज्ञानिक बताते हैं कि गूगल हर सर्च में जनरेटिव एआई को शामिल करता है और साथ ही साथ बिजली का जो खपत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इससे समझा जा सकता है कि हम पूरी तरह से डिपेंडेंसी तो एआई पर दे रहे हैं, लेकिन इससे आने वाले समय में कितनी खपत किस चीज़ के होने वाली है इस पर भी पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या पूरी तरह से एआई पर डिपेंडेंसी ज़रूरी है? क्या इंसानों के दिमाग का इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।